कल दोपहर को बाजार जब हम डिस्कस कर रहे थे तब भी यही हमने कहा था कि गैप अप गैप डाउन बड़े आने वाले कुछ दिनों में नजर आएंगे, लेकिन क्या इस टग ऑफ वॉर में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं? क्या खरीदारी बाइंग सिग्नल स्टॉक स्पेसिफिक दिख रही है? वैशाली, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए ट्रेडिंग आइडियाज क्या स्पॉट किए हैं आपने आज के लिए? गुड मॉर्निंग। सो नैरो रेंज है, बट फार्मा सेक्टर लास्ट वीक भी हमने बात करी थी, थोड़ी कंसिस्टेंसी दिखा रहा है। सो सन फार्मा आज का चॉइस है। यस्टरडे ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द डे वी सॉ कि एक अच्छा सा मोमेंटम आ रहा है सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ये सब स्टॉक में। सो आई चूज सन फार्मा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 960 फॉर अ टारगेट ऑफ 1020। एंड सेकेंड स्टॉक है जो मैं रिकमेंड करूंगी is Bandhan Bank. So Bandhan Bank actually oversold zone mein hai and yesterday ek bullish candle ban rahi hai. So with a very favorable risk reward ratio, I would give a buy 205 ke stop loss ke saath 220 ke targets ke liye. Okay. All right, ठीक है, तो ये तो आपकी recommendations हुई, किरण से भी समझते हैं। किरण, आपकी कहाँ होगी आज की trading ideas? हमारे तरफ से दो कॉल है, दोनों भाई तरफ है। पहला इंडिया मार्ट है। इंडिया मार्ट का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो एक बड़े से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हम कह सकते हैं, रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी 5000 की रेजिस्टेंस की, उसके ऊपर स्टॉक दो दिन से सस्टेन हुआ। हमने देखा कि कल मतलब डे बिफोर यस्टरडे एक बड़ा सा मूव आया विथ वॉल्यूम, कल उसमें एक पुल बैक भी आया और कहीं ना कहीं 5000 के लेवल को उसने रीटेस्ट किया है। अब यहाँ पे आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वो भी बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं विद अ वेरी गुड लॉन्ग बिल्ट अप ऑन ऑप्शन साइड। तो इंडिया मार्ट 5030 के आसपास ट्रेड कर रहा है, कोई भी गिरावट आए कर या तो करंट मार्केट प्राइस से भी हम लॉन्ग करके जाएंगे। 5160 का टारगेट हमारा रहेगा एंड 4970 एज अ स्टॉप लॉस हम इंडिया मार्ट के अंदर मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो IGL है, गैस इंडस्ट्रीज के अंदर हमने देखा था कि जो स्टॉक्स एक लोअर लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे थे वहां से काफी अच्छी एक बाइंग हमने देखी और कहीं ना कहीं उसके ब्रेकआउट लेवल के आसपास कंसोलिडेट हो रहे हैं। यहाँ पे आप डेली चार्ट देखोगे तो वहां पे भी क्लियरली आपको बुलिश पैटर्न दिख रही है और ब्रेकआउट के आसपास कंसोलिडेट हो रहे हैं। मोमेंटम इंडिकेटर यहाँ पे भी बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं विद हायर वॉल्यूम। सो IGL 439 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे, 455 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 424 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। खरीदारी की कॉल्स वैशाली और किरण दोनों की तरफ से इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक तो आती दिख रही है, लेकिन बाजार में कल के सेंटिमेंट 17200 के दर्शन तो मार्केट में निफ्टी ने कराया, लेकिन उसके ठीक बाद 17150 के ही आसपास सेटल होते हुए हम दिखे। कुणाल बोथरा भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग। बाजार में जिस तरह से एक बड़ा इवेंट था, उस इवेंट से पहले रैशनल अप्रोच था, मैच्योरिटी के साथ कल बाजार ने ट्रेड भी किया, आज सेंटिमेंट अब इस इवेंट के निकल जाने के बाद कैसे दिख रहा है? आज वीकली एक्सपायरी है और साथ ही आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताइए। 15 पॉइंट गैप डाउन के बाद में ऐसा लग रहा है इवेंट कब आया कब गया पता ही नहीं चला। तो आई थिंक ये मैच्योरिटी है मार्केट की। आपने राइटली कहा कि काफी मैच्योर हो चुका है मार्केट, इवेंट को फैक्टर इन कर चुका था काफी हद तक, और उसके लिए हमने देखा कि नॉट जस्ट US मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में भी और काफ़ी सारे ग्लोबल मार्केट्स में भी अच्छी रिकवरी आ गई थी लास्ट 3 से 4 दिनों में। 300 पॉइंट के आसपास निफ्टी में रिकवरी आ गई थी, डाउ जोन्स में करीबन आई थिंक 1000 पॉइंट के प्लस रिकवरी आ गई थी लास्ट 3-4 दिनों में। तो मार्केट एक बहुत काम और स्टेबल फेज में इस बड़े इवेंट के लिए गया था। मेरा ऐसा मानना है कि ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से और अपसाइड में जा सकता है, बिकॉज जब ऐसी मैच्योरिटी मार्केट दिखाता है और वॉलिटिलिटी नहीं दिखाता है बड़ी इवेंट्स के बाद में, तो इंडिकेट करता है कि मार्केट जो अपने पुराने प्रीवियस जो इमीडिएट प्रीवियस ट्रेंड्स है उसको रेप्लिकेट कर सकता है। तो मेरा मानना है कि 17,350-400 के आसपास के लिए टारगेट के लिए खेलना चाहिए इंडेक्स में। तो अगर माइल्ड डिप भी होता है 40-50 पॉइंट्स, अगर इंट्राडे गैप डाउन भी होता है तो उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी की जानी चाहिए। गिरावट में खरीदारी के मौके, और ये खरीदारी के मौके क्या बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक भी दिखेंगे कुणाल? जी हाँ, इनफैक्ट काफी सारे स्टॉक्स में नए लेग ऑफ ब्रेकआउट्स ओपन अप हो रहे। तो मैं पहला रिकमेंड करूंगा DLF, जिसमें मैं बहुत ही ज्यादा बुलिश हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक ये 400 के लेवल्स को इस बार इस मूव में क्रॉस कर देगा, बिकॉज हमने लास्ट 1 वीक में देखा था कि 10% का बहुत स्विफ्ट क्विक अप मूव आया था DLF में। 2 या 3 दिन की कंसोलिडेशन हुई है, स्टॉक अभी भी 370 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 30 रुपीज का जो अप मूव था स्टॉक पे वो रेप्लीकेट होगा वापस से अपसाइड में। तो 400 का टारगेट रख सकते हैं इमीडिएटली, स्टॉप लॉस रख सकते 355 का। IDFC लिमिटेड भी एक स्टॉक है जो ब्रेकआउट की तरफ वापस आ रहा है, 81 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 86 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस 78। ठीक है, DLF तो क्लियरली ये पूरा रियल एस्टेट, आई मीन कितने हजार करोड़ का माल उनका एक दिन में बिक गया, 8000 करोड़ का माल, और ये कोई छोटे मोटे 1BHK 2HP नहीं है, गुड़गांव प्रोजेक्ट लग्जरी प्रोजेक्ट था, 7-7 करोड़ का एक फ्लैट। तो ये कहीं ना कहीं वॉल्यूम रिफ्लेक्ट होगा अर्निंग्स में और अर्निंग्स रिफ्लेक्ट होंगी स्टॉक्स में, बट स्टॉक मार्केट पहले फैक्टर इन कर लेता है, ये भूलिएगा। धन्यवाद कुणाल, थैंक यू।
चलिए आगे से भी समझता है कि उनकी आज की स्ट्रेटजी क्या है। मॉर्निंग खुश, कुछ लॉन्ग शॉट रेशियो तो अभी भी डेंजरसली लेवल पर ही है, कुछ डेटा तो पॉइंट ज्यादा चेंज हुआ नहीं है, लेकिन यस कल कुछ लॉन्ग्स बनते हुए आपको फार्मा में, फाइनेंस में, इन स्पेसेस में जरूर दिखे। आज की ट्रेडिंग आइडियाज क्या है, स्ट्रेटजी क्या रहेगी इंडेक्स पर? जी हाँ प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, नो सभी को, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल अब मैं शायद इस डेटा को पॉजिटिवली रीड करूंगा कि अगर ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो नहीं चेंज हुआ है, विच मीन्स देयर इज इनफ एम्यूनेशन फॉर द बुल्स टू यू नो रिलाय कि अगर जरा से भी शॉर्ट कवरिंग आती है तो यहाँ से मार्केट में निफ्टी में एटलीस्ट 500 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी में 1000 टू 1500 पॉइंट्स की यू नो अपसाइड जो है ये ओपन अप हो जाती है। सो अब मेरे लिए ये डेटा जो है पॉजिटिव है। एक बहुत बड़ा इवेंट था ये, यू नो दिस इज आउट ऑफ द वे, फेड इवेंट जो था दिस इज आउट ऑफ द वे नाउ, और हमें एक सर्टन डिग्री ऑफ क्लैरिटी मिल रही है कि यू नो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ यू नो जो मीटिंग्स हैं उनमें। तो मेरे हिसाब से अब ये इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा। ऑफ कोर्स जो बैंकिंग सिचुएशन की यू नो इनस्टेबिलिटी अदर जो चल रही है दैट परहैप्स बी ऑन द रेडार, लेकिन विद दीस कपल ऑफ थिंग्स आउट ऑफ द वे दिस लॉन्ग शॉर्ट रेशियो विल एक्चुअली प्रोवाइड द मोर एम्यूनेशन दैट यू नो वी नीड। सो इसके चलते मेरी राय जो है यहाँ पे एक बेस बनता हुआ हमें दिख रहा है। अगर मैं डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल देखूं जिसकी हम यू नो पिछले कुछ समय से बात कर रहे हैं, तो हम इंट्राडे बेसिस पे भी उसको रिस्पेक्ट करके चल रहे हैं, तो एक सपोर्ट जोन तो बनता हुआ नजर आ रहा है। आज के लिए वेरी पर्टिकुलरली फॉर टुडे बिकॉज आज वीकली एक्सपायरी है, मेरा कंसर्न है कि यू नो 40,000 ऑन बैंक निफ्टी एंड 17,200 17,300 ऑन निफ्टी, इन कॉल्स पे अच्छी खासी बिल्डअप है। तो बायस तो मेरा पॉजिटिव है, लेकिन आज ही आज हो सकता है कि हम इन लेवल्स को बहुत ज्यादा मीनिंगफुली क्रॉस ना करें। बट दैट सेड पोजिशनली मैं यू नो काफी बुलिश हूँ निफ्टी पे 17,500 के लेवल्स, बैंक निफ्टी पे यू नो 40,400 40,500 के लेवल्स भी आ सकते हैं यू नो लेट्स से टुमारो और मे बी इन द कमिंग वीक। सो बायस डेफिनेटली पॉजिटिव है। आज के लिए अगर आप लेना चाहें 17,200 के टारगेट के लिए बाय करें, 1750 आपका स्टॉप लॉस रहेगा ऑन निफ्टी। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है 40,400 के टारगेट के लिए बाय करें, 39,800 ये जो है ये आपके लिए स्टॉप लॉस एक्ट करेगा। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, देखिए एक स्टॉक जो हम यू नो पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, व्हाई नॉट यू नो गिव इट आउट एज अ कॉल, सो ये आज मेरा कॉल कन्वर्ट हो गया है विच इज पेज इंडस्ट्रीज। स्टॉक में हमने बहुत ही अच्छा रिवाइवल देखा है। द बेस्ट पार्ट इज कि मार्केट के विपरीत जाके इसने अच्छा खासा एक अप ट्रेंड यू नो दिखाया है, वॉल्यूम बैक्ड मूव्स हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री ली जा सकती है, ट्रेडिंग के लिहाज से हो या पोजिशनली, दोनों ही तरह से ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। पेज इंडस्ट्रीज 40,000 का टारगेट, 38,000 का स्टॉप लॉस। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज KEI इंडस्ट्रीज, एक शार्प फॉल के बाद 50 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक रिबाउंड दिखाया है। कल ठीक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के पास क्लोज हुआ है, बट द एक्शन एंड द ट्रेंड इज सर्टेनली लुकिंग अप। सो यहाँ पे 17,000 के टारगेट 1700 के टारगेट के लिए बाय करें, 1610 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा।